श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त 2021 के महीने में आने वाले व्रत और त्योहारों के विषय में। मित्रों, सावन का महीना है और भगवान शिव इस समय धरती लोक पर हैं। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले उन्हीं भगवान शिव के चरणों में शीश नवाकर आपकी कुशलता की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज का अगस्त महीने के व्रत और त्यौहार का वीडियो। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। 2 अगस्त 2021 वार रहेगा सोमवार, तिथि रहेगी श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी। व्रत और त्योहारों में श्रावण सोमवार व्रत और मासिक कार्तिकाई होगी। 3 अगस्त 2021 मंगलवार, तिथि रहेगी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की दशमी। व्रत और त्योहारों में द्वितीय मंगला गौरी व्रत और रोहिणी व्रत होगा। 4 अगस्त बुधवार को तिथि रहेगी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी और व्रत त्योहारों में कामिका एकादशी व्रत होगा। 5 अगस्त गुरुवार को तिथि रहेगी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और व्रत रहेगा प्रदोष व्रत। अगस्त में सावन का प्रदोष व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। प्रत्येक माह की त्रयोदशी के दिन रखे जाने वाले इस व्रत के संबंध में मान्यता है कि यह व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 6 अगस्त शुक्रवार को तिथि रहेगी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। व्रत और त्योहारों में मासिक शिवरात्रि और श्रावण शिवरात्रि होगी। सावन 2021 की मासिक शिवरात्रि शुक्रवार 6 अगस्त को पड़ेगी। यूं तो मुख्य रूप से महाशिवरात्रि का महत्व ही माना जाता है, परंतु हर माह पड़ने वाली शिवरात्रि भी काफ़ी महत्व रखती है। हिंदू कैलेंडर में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। 8 अगस्त 2021 बार रहेगा रविवार, तिथि रहेगी श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या। व्रत और त्योहारों में दर्श अमावस्या, हरियाली अमावस्या, अन्वाधान और श्रावण अमावस्या होगी। साल 2021 में हरियाली अमावस्या रविवार 8 अगस्त के दिन पड़ रही है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके इस अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड किए जाने की मान्यता है। 9 अगस्त वार रहेगा सोमवार, तिथि रहेगी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। व्रत और त्योहारों में इष्टि चंद्र दर्शन तृतीय सावन सोमवार व्रत होगा। 10 अगस्त 2021 बार रहेगा मंगलवार, तिथि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय। व्रत और त्योहारों में तृतीय मंगला गौरी व्रत होगा। साल 2021 में हरियाली तीज बुधवार 11 अगस्त को मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरियाली तीज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस दिन पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए शादीशुदा महिलाएं व्रत रखती हैं। इस अगस्त 2021 में गुरुवार 12 अगस्त को विनायक चतुर्थी पड़ रही है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन हर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आता है। सावन 2021 में शुक्रवार 13 अगस्त को नागपंचमी पर्व है। हिंदू के पंचांग के अनुसार नाग देवता की पूजा का यह दिन नागपंचमी का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मित्रों, इसके साथ ही साथ इसी दिन स्कंद षष्ठी और कल्कि जयंती भी होगी। अगस्त 2021 के तीसरे रविवार यानी 15 अगस्त को तुलसीदास जयंती है। वहीं इस दिन स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद,
हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। इसके साथ ही साथ मासिक दुर्गा अष्टमी भी होगी। 16 अगस्त दिन रहेगा सोमवार, तिथि रहेगी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। व्रत और त्योहारों में श्रावण माह का चौथा सोमवार होगा। सूर्य के अपनी ही स्वामित्व वाली सिंह राशि के प्रवेश को सिंह संक्रांति का नाम दिया जाता है। ऐसे में इस बार यह मंगलवार को 17 अगस्त 2021 को पड़ेगी। यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं। सिंह संक्रांति के दिन सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ चतुर्थ मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा और मलयालम नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। तिथि रहेगी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की दशमी। सावन 2021 में बुधवार 18 अगस्त 2021 को श्रावण पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर में हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन संतान प्राप्ति व सुख के लिए व्रत रखा जाता है। 19 अगस्त 2021 बार रहेगा गुरुवार, तिथि रहेगी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। इस दिन दामोदर द्वादशी होगी। अगस्त 2021 का दूसरा प्रदोष व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन में शुक्रवार 20 अगस्त को रखा जाएगा। हर हिंदू माह की त्रयोदशी तिथि के दिन रखे जाने वाले इस प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। दक्षिणी भारत खासतौर पर केरल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला ओणम वर्ष 2021 में शनिवार के दिन 21 अगस्त को मनाया जाता है। ओणम यानी थिरु ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने के लिए पताल से हर वर्ष धरती पर आते हैं। इसके साथ ही साथ ऋग्वेद उपाकर्म भी होगा। तिथि होगी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। हिंदू संस्कृति में भाई बहन का प्रेम का पर्व रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसे में इस साल यानी 2021 में रविवार 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन के लिए उनकी कलाई में राखी बांधेंगी। इसके साथ ही साथ श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। अन्वाधान राखी, गायत्री जयंती, नारली पूर्णिमा, है गरीब जयंती, संस्कृत दिवस और यजुर्वेद उपाक्रम होंगे। 23 अगस्त 2021 वार रहेगा सोमवार, तिथि रहेगी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। इसी दिन इष्टि गायत्री जापम और भाद्रपद प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, कुछ लोग इष्टि 22 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 23 तारीख को भी इष्टि मना रहे हैं। 25 अगस्त को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाए जाने वाला त्यौहार कजरी तीज या भादो तीज का पर्व साल 2021 में बुधवार को 25 अगस्त को मनाया जाएगा। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। इसके साथ ही साथ हेरंभ संकष्टी चतुर्थी व्रत भी रखा जाएगा। महास्कंद हर चतुर्थी रखा जाएगा और बहुला चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। 27 अगस्त 2021 वार रहेगा शुक्रवार, तिथि रहेगी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी और इस दिन नाग पंचमी होगी। 28 अगस्त 2021 वार रहेगा शनिवार, तिथि रहेगी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी और व्रत और त्योहारों में बलराम जयंती और रांधन छठ होगी। 29 अगस्त 2021 रविवार को तिथि रहेगी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी। व्रत और त्योहारों में भानु सप्तमी, शीतला सातम और मासिक कार्तिकाई होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी साल 2021 में सोमवार को 30 अगस्त को मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में
मध्यरात्रि को श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इसके साथ ही साथ कालाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, आद्याकाली जयंती और रोहिणी अष्टमी होगी। 31 अगस्त मंगलवार को तिथि रहेगी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी और व्रत और त्योहारों में दही हांडी और रोहिणी व्रत होगा। मित्रों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ लाइक का बटन और कमेंट करना भी ना भूलें। यह थी जानकारी अगस्त माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। जय हिंद, जय शिव शंकर।